जो मेरा फेसबुक अकाउंट है वह कल हैकर ने हैक किया है, मुझे पता चला। जैसे ही मुझे इसका पता चला, इमीजिएटली वह उसके बारे में मैंने पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की कि कोई सामान्य नागरिक इसको बलि पड़ के उनके पैसे खराब नहीं हो, उनके वो लूटे नहीं जाए, इसके लिए पुलिस को भी दखल देने के लगाए। और जो प्रसिद्धि माध्यम है, वह हर प्रसिद्धि माध्यम में उसकी प्रसिद्धि देके हर नागरिक को जागरूक करने का कोशिश की। लोगों ने सावधान रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ करने से पहले सोचना चाहिए कि सामने वाला पैसे मांग सकता है या नहीं मांग सकता है, उसके नाम पे कोई फर्जी आदमी पैसे तो नहीं मांग रहा है। ये पूरी इंक्वायरी करके ही हर एक ने करना चाहिए। और दूसरी बात ऐसा है कि जब पैसे की बात आई तो विदाउट कन्फर्मेशन पैसे ही नहीं देना चाहिए, कि आजकल तो मोबाइल है, इमीजिएट आदमी को पूछ सकता है सही में ज़रूरत है क्या। अगर किसको ज़रूरत रही तो फेसबुक पे नहीं मांगेगा वो डायरेक्ट, अगर कल मुझे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं फ़ोन करके मांगूंगा या खुद बात करूंगा। जनरली हर एक के पास अभी कार्ड रहता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, तो ऐसे पैसे मांगने की मुसीबत नहीं आती। तो हर लोगों ने जागरूक रखे, किसको भी ऐसे पैसे नहीं देने चाहिए। माननीय लक्ष्मण राव जगताप आमदार है, उनका फेसबुक अकाउंट पे क्रिएट किया गया था, उस बारे में कंप्लेंट प्राप्त हुई है। उसमें हमने फेसबुक के कांटेक्ट किया है और हमारा लोगों से आह्वान है कि इस प्रकार से बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें फेक अकाउंट तैयार किया जाता है बिना वेरिफिकेशन के, दूसरी फ़ोन से इंफॉर्मेशन लेकर ये पैसे मांगने वाली बात जो है ये सच है या नहीं ये देखकर ही पैसे देने चाहिए। किसी भी अकाउंट को बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए। कोई भी पैसे मांग रहा है तो उसकी पहले वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई फेक अकाउंट तैयार होता है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे आप खुद भी वहाँ एब्यूज रिपोर्ट कर सकते हो। वो रिपोर्ट पर फेसबुक वो 24 घंटे के अंदर आपका फेक अकाउंट डिलीट किया जाता है। पुलिस को भी इन्फॉर्म करिए और उसके साथ ही साथ में अपना अकाउंट आप खुद भी रिपोर्ट करिए।